नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। आप देख रहे हैं JNI न्यूज। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार निगम ने प्रधानमंत्री को दी धमकी। जी हां, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार निगम ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि राज्य कर्मचारियों की 5 सूत्री मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। कर्मचारी जेल भी गए, लेकिन सरकार कर्मचारियों की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। हमारी 5 सूत्री मांगे क्या है? महंगाई भत्ता, नकदीकरण, संविदा कर्मचारियों को तुरंत भर्ती किया जाए, पेंशन बहाली आदि मांगे। आइए देखते हैं राम सिंह की रिपोर्ट में। आपने परिचय देते हुए बताइए, आज प्रेस क्लब यहाँ आपने पत्रकारों को बुलाया है, क्या मकसद है? हमारा तो मकसद ये था कि पहले हम अपने देशवासियों को दशहरा की बधाई दे, रामनवमी की बधाई दे और दिवाली की अग्रिम बधाई दे। साथ ही साथ आज हम लोग इसलिए बुलाई थी कि आज हमें बनारस में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में एक बड़ा धरने का कार्यक्रम था। हमारी 5 मांगे हैं। हमारी पहली मांग है कि हमारे महंगाई भत्ते को सरकार सम्मान से वापस करे। हमारी दूसरी मांग है कि जो मेरी पेंशन काटी गई है युवा की, उसको सम्मानपूर्वक वापस करें। हमारा नकदीकरण वापस करें। हमारे जो दैनिक वेतन, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारी हैं, उनको तत्काल स्थायी किया जाए, क्योंकि जगह खाली है। सरकार 20 साल से चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नहीं कर पा रही है। कितने भी आयोग बना दे, वहाँ से कर्मचारी चयनित नहीं हो रहे, बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार तो नगर निगम को भी निजीकरण के उसमें है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, खाली हवा हवाई कर रही है। हमारे सचिवालय में हर अनुभाग में 5 से 6 पद खाली है। प्रदेश के सभी कार्यालयों में हर कमरे में कम से कम 4-4 पद खाली है। वही कर्मचारी काम करते करते बेचारे मर जा रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सरकार भर्ती नहीं कर रही है। ये पूरी पार्टी BJP की बेरोजगारी को और बढ़ा दिया है, ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं बता रही है। आपकी आज एक मीटिंग थी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, उसमें क्या हुआ? हम लोगों की कल रात में कार्यकारिणी की बैठक हुई। कई पदाधिकारी हमारे ऐसे थे जिन्होंने हमसे कहा कि अध्यक्ष जी, हम लोग की पूजा है, हवन है, और आपको लखनऊ से इधर का जो आदमी जाएगा बनारस कम से कम 4 बजे पहुँचेगा पूजा पाठ करने के बाद। तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को और मजबूती से तैयारी करने के लिए बनाया है, क्योंकि तो समय और मिल गया मुझे। 21 तारीख को कार्यक्रम है। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों का पेंशन छीना, अटल जी ने, कल्याण सिंह आए उन्होंने नकदीकरण छीना, मोदी जी आए उन्होंने भत्ते छीना। तो मैं इनसे उत्तर प्रदेश छीन के रहूँगा और मोदी जी के क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा बनारस से। राज्य कर्मचारी की आन है तो इनको गुजरात वापस भेजूंगा। अगर आपकी ये मांगे ना मानी गई, पेंशन बहाली है भर्ती के लिए, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो मैं आपको क्या बताऊं, प्रधानमंत्री के यहाँ जंतर मंतर में धरना दिया गया, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया, गिरफ्तार हुआ, मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी 15 दिन महीना भर पहले घेराव किया, गिरफ्तार हुआ। पूरा उत्तर प्रदेश बंद कराएंगे। हम कोरोना पीरियड में नहीं चाह रहे हैं कि राज्य कर्मचारी को जनता दोषी ठहराए। ये कोरोना खत्म हो तो पूरा भारत बंद होगा। मेरे साथ केंद्र कर्मचारी है, मेरे साथ सेवानिवृत्त कर्मचारी है। अरे कुछ तो प्रधानमंत्री को शर्म करना चाहिए कि जो हमारे कोरोना में बहनें शहीद हुई हैं उनके भत्ते काट रहे हैं, जो बेचारे रिटायर्ड हुए हैं जिनकी एक सीमित आय है उनका भत्ता काटा है, उनका 1% ब्याज काटा है। ये सरकार कर्मचारी विरोधी है। हम इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारे जितने भी काटे हुए चीजें हैं जो कांग्रेस सरकार दे गई, मैं कांग्रेस सरकार की तारीफ करता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ अपने युवा पूर्व मुख्यमंत्री अटल की, अखिलेश जी की। वो बेचारे हम लोगों की कोई मांग मानते थे, सुनते थे, सारे भत्ते दिए उन्होंने। तो क्या ये सरकार में आपकी बात नहीं सुनी जा रही? ये सरकार में हमारी नहीं, किसी की नहीं सुनी जा रही। अगर आप देखिए तो विगत 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय में कितने लोग पेट्रोल चला के चले, कितने लोग 3 महीने का वेतन निकालिए, तो कम से कम 40 लोगों ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला है। तो आप पत्रकार हैं, जनता के बीच में रहते, 80 रुपए किलो टमाटर, 60 रुपए किलो, 50 रुपए आलू, 80-82 रुपए तेल, डीजल किस रेट चल रहा है, गरीब आदमी आलू और दाल नहीं खा पा रहा है, 160 रुपए 120 रुपए आलू है, ऐसा प्रधानमंत्री लाए हैं। उसने कहा था जो करेंगे याद करना, याद कर रहे हैं, सभी जनता याद कर रही है।
हम भी याद कर रहे हैं। तो राज्य कर्मचारी प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेगा? चुनाव राज्य कर्मचारी नहीं लड़ेगा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का अध्यक्ष इस्तीफा दे के चुनाव लड़ेगा और उनको सबक सिखाएगा और गुजरात वापस भेजेगा।